प्रताप ठीक है? बाथरूम वगैरह तुम जाना। किकू भाई रेडी? सिद्धार्थ रेडी? रेडी सर, रेडी। हाँ जी भाई रेडी 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 बोली जा रहे, आ कोई नहीं रहा। रेडी फिर रेडी भेज दो। सॉरी, ये व्हाट आर यू ड्रिंकिंग? क्यूकम्बर वाटर। रबिश। रबिश नहीं, इट्स ककड़ी। ऑन द काउंट ऑफ थ्री, ठीक है, यू विल काउंट बैक। व्हाट आर यू डूइंग, अ बूमरैंग? थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओए एग्जिट हो गई है तेरी, पीछे बोली जा रहा है। का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में इसकी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. अच्छा पाजी, गर्मियां जब आती हैं, ये जो पैसे वाले लोग हैं, ये तो कुल्लू मनाली का प्रोग्राम बना लेते हैं। हमारे जैसे जिनका नहीं बनता, वो फिर ऐसा रिश्तेदार ढूंढते हैं जिसके घर में एसी लगाओ, कि वहां पे बच्चों को लेके निकल जाओ। जैसे अपने दिनेश है ना, इसने अपने चाचा का नाम ऐसे सेव किया हुआ, एसी वाले चाचा। इसके चाचा ने इसका नाम लिखा हुआ है, मुफ्त की हवा खाने वाला भतीजा। हर कोई अपने अपने जुगाड़ करता है। अरे भाजी को आजकल तो हर घर में फ्रिज है, पहले पहले कम घरों में होते थे। फ्रिज का माहौल देखो आप, सबसे ऊपर अंडे रहते हैं ना, छः के छः ऐसे सावधान मुद्रा में, खोलो नीचे वाले रैक में ना, नीचे संतरा स्माइल कर रहा था, ठंडा ना। सबसे नीचे होता है फ्रिज का जनरल वार्ड, जिसमें सब्जियों वाला बक्सा होता है, जिसमें अदरक पालक धनिया सब घुसे पिसे रहते हैं। बैंगन को एडजस्ट होने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसका ठुल्लू सा लगा रहता ना ऊपर, वो जो दो भिंडियों के बीच में से झाँकता है, वो बड़ा परेशान करता है। फिर उसे कोई लेडीज सब्जी कहती है, शिमला मिर्च टाइप। भाई साहब ये आपका ठुल्लू हमारी कमर में लग रहा है, थोड़ा संभाल के बैठिए। अच्छा गर्मियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है टू व्हीलर वालों को, ये ना जिनका स्कूटर या साइकिल धूप में खड़ा हो, बेचारे स्कूटर स्टार्ट करते बैठते उस करके थोड़ा थोड़ा पेंट पसीने की वजह से गीली हो, ऊपर से सीट गर्म, तो थोड़ी थोड़ी भाप निकलती है, तो फिर स्कूटर स्टार्ट करना, गेट डाल के 2 किलोमीटर ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर रास्ते में कहीं जाके एक आध पीस टिका के चेक करते, पहले दाया फिर बाया, फिर जाके नॉर्मल होता है उनका। अच्छा आप देखना, इतनी गर्मी होती है, पीछे जो पर्स रखा होता है ना, उसके सिक्के कॉइन वो भी गर्म हो जाते हैं। फिर आप कॉइन निकालो ना, उसमें कई आते हैं ना, किसान ने ऐसे हल पकड़ा हुआ है, वो आप गर्मी में निकाल के देखो, किसान हल नीचे करके अपने आप को पंखा कर रहा है। अच्छा कुछ जगह पे तो लू चलती है, जैसे आप कभी राजस्थान चले जाओ या नॉर्थ में चले जाओ, उस समय लड़कियां इतना मुंह पूरा ढक के अलिफ लाला बनकर निकलती हैं स्कूटर पे, पता नहीं चलता बाहर से देख के कि अंदर मोहम्मद कैफ है कि कटरीना कैफ है। मतलब उनको ऐसा लगता है किसी ने गिफ्ट रैप किया है। ऐसे में ऐसे लौंडो को बड़ी परेशानी होती है, क्यों, जो ऐसे ही गिफ्ट रैप देख के 20-20 किलोमीटर पीछे चले जाते ना, फिर जब मुंह से कपड़ा हटता फिर देखते हो ये तो मॉल्टन वाली बबली मासी है। गर्मी में सफर करो ना, बड़ी प्रॉब्लम होती है। पैसे वाले लोग तो चलो फ्लाइट में बैठ के चले गए या सेकंड एसी की टिकट ले ली, प्रॉब्लम आती आम आदमी को। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतना पसीना, ऊपर से एक सीट पे 8-8 लोग बैठे रहते हैं। अच्छा हिंदुस्तान में ये बड़ी चमत्कार वाली बात है, 8 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं 5 लोगों की सीट पे, नवा आके अपना थोड़ा सा कोना रख के ना, धीरे धीरे करके पूरा एडजस्ट हो जाता है। अच्छा ऐसे में उस आदमी को बड़ा गुस्सा आता है जिसने टिकट ली होती ना, वो फिर अपनी हवा शक्ति का इस्तेमाल करके ना सीट खाली कराने की कोशिश करता है। अच्छा कुछ लोग तो ऐसी चीज का ना इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं, अट तेरा बेड़ा गर्क। कुछ लोग वो बड़े ढीठ होते हैं, वो फिर ऐसा सांस रोक के मेडिटेशन करते हैं ना, कि ना बाहर की हवा अंदर, ना अंदर की बाहर। वो कहते तू कुछ भी छोड़, हम नहीं सीट छोड़ने वाले। अच्छा कुछ लोग ना फिर मूली के पराठे का जवाब ना आलू के पराठे से देते, उस समय पता चलता है कि भाई मूली के पराठे वैसे ही बदनाम है,
गर्मियों में लेडीज को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जो गर्मियों की शादियां वैसे लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी बड़ी है, ऊपर से दुल्हन तैयार होकर बैठी है, मेकअप वगैरह करके आई है, ऊपर से सामने आग जल रही है, तो सिंदूर टपक के ना ऐसे अपनी बीवी का टप्पा लगने लगती है। अच्छा गर्मी के मौसम में लोग पाउडर बड़ा लगाते हैं, जब नहा के आते हैं ना सर तो गीला रहने देते हैं कि चलो थोड़ी देर तक ठंडा रहे, पाउडर दबा के फेंक लेते हैं, छोटा कश्मीर बना लेते हैं छाती पे, और फिर जब पसीना आता है ना तो वो फिर पाउडर में से निकलता है, ऐसा लगता है बर्फ के पहाड़ में से नदी निकल रही है, और धीरे धीरे पानी अपना रास्ता बनाता हुआ जाके सीधा बंगाल की खाड़ी में नाभि में गिर जाता है। अच्छा जो और पीछे पीठ पे क्या होता है, वहां बिल्कुल उलट होता है, वैसे लगता वो है तो फिर सीधा पहाड़ों में गिरता है। अच्छा गर्मी के मौसम में काम करने का दिल नहीं करता, ऐसे जानबूझ के ना ऐसे अपना कीबोर्ड वाला गोपाल ये ऐसे ही एटीएम में चले जाएंगे, ऐसे ही एटीएम कार्ड फंसा लेते, निकलते नहीं आधा घंटा बाहर। फिर एटीएम के वॉचमैन से पूछते भाई नौकरी करने का क्या प्रोसीजर है, कहता मेरे को क्या पता, मैं तो खुद सामने वाली मिल में काम करता हूँ। अच्छा गर्मियों में बदमाश पतियों का बड़ा फायदा हो जाता है, अब किसी के साथ भी घूम फिर के आ जाओ वो आपके पसीने से उनकी परफ्यूम की खुशबू चली जाती है, लेकिन कई बीवियों की नाक बड़ी तीखी होती है, वो पहचान लेती है ये तो तेरी बदबू है ही नहीं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे दर्शक जितने बैठे हुए हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ आप में से किन को गर्मियाँ अच्छी लगती हैं और किन को बुरी लगती हैं। जी अच्छा गर्मी में ये रंग भी लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, लाल रंग ना, पर आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। लाल इसलिए पहना है सर कि मेरे हस्बैंड का सरनेम इज मिस्टर लाल। अच्छा मुझे तो ये मिस्टर लाल लग ही नहीं रहे, मुझे तो मुझे ये शाकाल लग रहे हैं। तो आपको गर्मियाँ अच्छी लगती हैं कि बुरी लगती हैं? बिल्कुल भी गर्मियाँ अच्छी नहीं लगती। अच्छा क्यों, उसका क्या रीजन है? छुट्टियाँ बच्चों की होती हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं वेकेशन है, बट हमारी तो छुट्टियाँ होती नहीं है। ऐसे क्यों? मेड्स पहले छुट्टी पे चली जाती हैं। अच्छा और फिर एसी एक रूम में है तो बच्चे भी वहीं एडजस्ट हो जाते हैं साथ में। तो बच्चों को एडजस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? अबे यही तो तू समझा नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत प्यारे हैं आप दोनों, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? जी यस बेटा। बेटा ये आपने टाई बांधी है कि निकल नहीं रहा कपड़ा? अच्छा टाई का स्टाइल है। तो क्या आपको गर्मी अच्छी लगती है? बहुत ज्यादा। ऐसे क्यों? वेकेशंस। बेटा ये गर्मियां तब तक अच्छी लगती है जब आपकी छुट्टियां हैं, लेकिन फ्यूचर भी तो होना कि सोच, आपने कभी सोचा बड़े होकर क्या बनना है? फुटबॉलर बनना है। चलो अच्छी बात है, आपने कम से कम सोचा तो है, हमने तो बचपन में सोचा नहीं होता था, हमें तो यही होता था कि छुट्टियां खत्म होनी है, हमें मार पड़नी है, क्योंकि काम हम करके नहीं जाते थे। तो और छुट्टियों की वजह से आपको अच्छी लगती है? और सबसे ज्यादा तो वैसे ही ठंडियों में आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड चीजें खाने नहीं मिलती, अभी गर्मियों में मम्मी खुद आके देती है कि लो आइसक्रीम खा लो। अच्छी फैमिली से ना बेटा, हमें कई लोगों को गर्मियों में भी नहीं मिलती। बड़े क्यूट हो आप, क्या नाम है आपका? मित्तुल। मित्तुल? हाँ। मित्तुल का क्या मतलब होता है? फ्रेंड। थैंक यू माय फ्रेंड फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। और कोई मेरे दोस्त? जी जी नमस्ते कपिल सर। ऐसा लग रहा है शेव आपने आधा सेकंड पहले की है। काफी अच्छी शक्ल है ना? नहीं बहुत खूबसूरत है आप। जी जी मैं ब्यावर राजस्थान से आया हूँ। ब्यावर? जी। ये मैंने पहली बार सुना सर, कहाँ ये? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दरगाह फेमस है। अच्छा अच्छा अजमेर शरीफ के पास। जी तो मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा बिकॉज गर्मी में क्या होता है, सारी लड़कियां अपने मुंह पे पूरा स्कार्फ बांध के सर को पूरा पैक करके निकलती है। तो आपको इसी चीज से प्रॉब्लम है कि गर्मियों में ऐसा होता है? जी। शादी हुई आपकी? जी हुई, वाइफ। तो आपके सामने ये तो राज खोली जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? शादीशुदा आदमी केवल बोल ही सकता है बेचारा, और क्या कर सकता है? बोल बोल के आदमी मजे लेता रहता है, अच्छी बात है। आपकी वाइफ नहीं पहले ऐसे बांध के कपड़ा निकलती थी? अब बांधने लग गई ना। अब बांधने लग गई, चलो अच्छी बात है। आप भी कपड़ा बांधा करो, इतने चिकने हैं आप, कहीं काले ना हो जाना। थैंक यू। कहीं सावले ना हो जाना। राजस्थान में लेकिन गर्मी बहुत पड़ती है सर, बहुत जबरदस्त। क्योंकि मेरा अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस हुआ ना, अब वी वर शूटिंग फिरंगी देयर, अब मेरा बीच बीच में प्रमोशन होता रहता है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, शुक्रिया शो में आने के लिए। जी हम अकेले आए हैं आप? नहीं मेरे पेरेंट्स भी आए हैं। अच्छा जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरी मम्मी अपने हाथों से आपके लिए राजस्थान का फेमस दाल बाटी चूरमा में से चूरमा लेके आई है। क्या बात है, आपको देना चाहते हैं। कहाँ है? जी ये लेके आए। लेके आए आप? जी। सो स्वीट, थैंक यू सो मच, सो स्वीट, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वाह शुक्रिया जी, शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू आंटी, शुक्रिया जी। ये मैंने बड़ा खाया, मैंने बताया ना अभी फिल्म की शूटिंग चल रही थी,
ये शुक्रिया, ये मैं। थैंक यू सर, ऐसा ही प्यार आपको आपका सारे राजस्थान वालों को मिलता है। खाना मत। शुक्रिया सर। कपिल पाजी नमस्कार। ओए होए, ये पंजाब से आए बिना माइक के शुरू हो जाते हैं। कपिल पाजी जी सर, हम लोग फिरंगी मुल्क में रहते हैं। अच्छा, कहाँ पे? कनाडा में। अच्छा, तो 6-7 महीने वहाँ पे पूरी बर्फ रहती है। वहाँ तो बहुत ज्यादा बर्फ रहती है जी, तो इसलिए हम लोगों को गर्मियाँ पसंद है। अच्छा, आपकी तो गर्मियाँ भी तकरीबन सर्दियों वाली होती है, मैंने देखा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ पे पाजी जब गर्मी आती है जी, सबसे ज्यादा मजा आता है जब लेक में बोट को थोड़े चप्पू मार के 100 मीटर आगे ले जाते हैं ना जी। जी जी जी। तब जब कैन खुलता है फिर पुलिस वाले को भी पता नहीं चलता कि बियर पी रहा है या लस्सी। और ऊपर से और भी बोट्स घूम रही होती ना। हाँ जी भाई, यहाँ पे गोरियां भी ऐसे हो। बिल्कुल भाजी, बड़ा मजा है, बड़ी खूबसूरत कंट्री है कनाडा। सो मच, शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी। और कोई हमारे दोस्त विशेष टिप्पणी करना चाहते हो? यस पिंकी दी पू मोहतरमा जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। कहाँ से आए आप? सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से जी। वाह जी, तो आपको गर्मी अच्छी लगती है? जी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उस साइड बहुत प्लेजेंट वेदर रहता है एंड हमें शॉर्ट्स पहनने मिलते हैं। अच्छा। हाँ जी, हम भी जाएंगे कभी सिलीगुड़ी। आइए ना प्लीज। तो बस इसीलिए अच्छा लगता है आपको? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे कपड़े पहनने मिलते हैं, सब अट्रैक्शन होता है ना फिर। हाँ, नहीं। आपको अट्रैक्शन मिलता है ना, हम तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। पर ये है कि सर्दियां भी एक्चुअली, मुझे तो सर्दियां बड़ी अच्छी लगती है, ज्यादा कपड़े पहन सकते, पसीना नहीं आता आपको? लड़कियों को पसीना नहीं आता, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम लोग का नेचुरली होता है वो सब। हमारा भी नेचुरली आता है, हमें जो पसीना आता है। पर हाँ, बहुत खूबसूरत है आप और अच्छी बात है कि गर्मी आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप अपने मनपसंद कपड़े पहन सकते हो। सर, मेरी मम्मी मासी सब आए हैं आपके लिए, गिफ्ट लाए, सिद्धू सर के लिए गिफ्ट लाए। सो स्वीट। थैंक यू सो मच पाजी, देखो कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। ले भाई, ओ गुरु, ये देख भाई लिखा हुआ है इस पे, हर रोज इतना मुस्कुराओ कि गम भी कहे यार मैं गलती से कहां आ गया। ठोको ताली। But so sweet of you. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. God bless you. Okay, अभी देखना, मैं एक जादू करूंगा, सिद्धू भाई के कपड़े चेंज हो जाएंगे। देखना अभी। पाजी, do you believe in भूत्स? No. मैं भी नहीं करता, लेकिन मेरी एक फेवरेट हीरोइन है जो भूतों के ऊपर फिल्म कर रही है। हैं? बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है। अच्छा, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा, वेरी टैलेंटेड, प्लीज वेलकम हुमा कुरैशी। ये हुमा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक कपिल शर्मा के शो पे आके मैं ज्यादा खिल जाती हूँ। सीरियसली? ऑफ कोर्स। गुलशन का हर फूल रूठा रूठा है क्योंकि मोहतरमा आपने सबके दिलों को लूटा है। वाह, लूटा है जरूर। इस कदर दीवाना बनाया है आपके चेहरे ने, बस एक आप ही सच्ची और सारा जग लगता झूठा। वाह, मैं आज बड़ा खुश हूं भाजी। हुमा जब भी कभी आती हैं, कभी अक्षय पाजी के साथ, कभी इनकी फिल्म के हीरो आते हैं, आज मैं बहुत खुश हूं। आपको आभास हो गया होगा मेरा आपके साथ अकेले बातें करने का दिल। हाँ, इसीलिए मैं बहुत ही स्पेशल हीरो को अपने साथ लेके आई। सीरियसली? बहुत ही। प्लीज प्लीज वेलकम, नो प्रॉब्लम। I would like to introduce a very, very talented co-star of mine, the very good-looking Saqib Saleem. बहुत आपको मुबारक हो, आप बहुत ही talented लड़की के साथ काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो कर रहा हूँ, बहन है मेरी। हाँ जी। तो talented तो होगी ना यार। नहीं, मैं ये देख रहा था कि आप जब भी हुमा आती है बड़ा flirt करते हैं, तो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ, आप देखते हैं कैसे दो भाई जब होंगे तो कौन flirt करेगा हुमा से, देख लेते। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो आपको ही सुंदर समझता हूँ, लेकिन आपके भाई को देखा ना तो पंजाबी में कहते हैं पोखो उतर गई यार। ओए होए, सोना मुंडा। ना सोना भाई, थैंक यू, वेरी गुड लुकिंग। आपके रियल ब्रदर? सगा एकदम, जैसे अपन तीनों सगे एकदम।
भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। आज तो बोनी खराब हो गई, आज कान खुली डाका पड़ गया। आओ दीदी फिर खड़ी क्यों, बैठो आओ। आई थिंक ये आखिरी बार है कपिल मुझे अपने शो पे बुला रहे हैं। नहीं नहीं, बहनों से बहुत प्यार करते हैं कपिल। अच्छा ये फिल्म आ रही भूतों की, इतना डर लगा था कि साथ में भाई को भी कास्ट कर लिया आपने? नहीं, मेरी रक्षा करने के लिए, भाई जो होता है वो राखी रक्षा करने के लिए होते हैं। या एग्जैक्टली, तो सबको भाइयों को अपना जो प्रॉमिस होता है बहन को जब वो राखी बांधती है बहन जी, तो निभाना चाहिए। नहीं अच्छी बात है, पर बहन अगर किसी शो पे जा रही है तो चलो बंदा घूम फिर आता है, चलो फिल्म की प्रमोशन। ये तो बस ही है यहां पे। चलिए बहुत अच्छा लगा आप दोनों को साथ में देख के। अच्छा फिल्म का नाम है दोबारा, ये पहले भी आ चुकी है? नहीं सर, दोबारा इसलिए क्योंकि दो बार देखनी है। दो बार देखनी है। हाँ। तो आप रियल में भाई बहन है, तो फिल्म में भी भाई बहन बने आप जी, तो फिर एक्टिंग मतलब तो जरूरत नहीं पड़ी होगी ना? नहीं नहीं, बहुत जरूरत पड़ी भाई, एकदम। जो पिक्चर में हमारा रिलेशनशिप है वो रियल लाइफ वाला रिलेशनशिप है ही नहीं। बेसिकली रियल लाइफ में हम कपिल शर्मा शो हैं और उसमें हॉरर शो है, आहट है। ओके आहट है। अच्छा पाजी इस फिल्म में आप देखना, आप ट्रेलर देखेंगे ना आपको वहीं पे आइडिया लग जाएगा। मिरर में बार बार एक पंजा आता है, तो आप सिद्धू साहब की पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं उसमें? अच्छा फिल्म फिल्म के बारे में तो कुछ बताइए आप थोड़ा सा। हिंदुस्तान में बहुत कम हॉरर फिल्में खासकर ऐसी बनती हैं जो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। हाँ डर जरूर लगे बट मजा भी आए। अक्सर आप देखते हैं ना भूतों वाली फिल्में, भूत की एंट्री उस समय पे होती है जब हीरोइन नहा रही होती, पता नहीं भूत क्यों आता उस समय। मतलब शावर में एकदम खून आ जाता है ना, फिर शावर में वो वैसे वाले शॉट नहीं हमारी फिल्म। ये ऐसे दरवाजा खुलता है हमेशा, कुछ तो टिपिकल शॉट्स होते हैं लेकिन आपकी फिल्म में वैसे नहीं है। हुमा बाजी गैंग ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बीवी बनी है, एक थी डायन में इमरान हाशमी की बीवी बनी, जॉली एलएलबी में अक्षय पाजी की बीवी बनी। आपको ऐसी स्क्रिप्ट्स अच्छी लगती हैं कि आप ऐसे घर वालों को कोई साइन दे रही हैं कि भाई साहब भी साथ में है, मतलब ऐसा कोई घर वालों को साइन दे रहे हैं कि मैं समझ नहीं, समझाइए जरा कि शादी करने का कोई आइडिया तो नहीं है? नहीं ये मारता नहीं है, बॉडी बना रहे हैं। हां क्या कह रहे यार, एक तो डरा डरा के मारेगी आज हमें। अच्छा तुम ऐसे कोई साइन दे रही हैं आप घर वालों को कि मतलब शादी वादी का कोई निकट भविष्य में? नहीं, अभी मुझे कोई लड़का मिला ही नहीं। अच्छा जो मिलते हैं उनको भाई बना लेते हैं फिर क्या है। पाजी आपको ये जान के खुशी होगी कि साकिब जो हैं वो आपके ही की बिरादरी से हैं, क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते रहे साकिब। आप अभी भी क्रिकेट खेलते हैं? छोड़ दिया बिल्कुल सर। व्हेन आई वाज यंगर तो आई रिप्रेजेंटेड दिल्ली अंडर 19 में एंड आई प्लेड फॉर अ ईयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। आप भी क्रिकेट पसंद करती हैं वैसे? हुमा है वो फेक क्रिकेट के वो फैन बन जाते हैं ना कि अरे ये प्लेयर का स्क्वायर कट बहुत अच्छा है, मैंने कहा स्क्वायर कट होता क्या है? सिद्धू जी ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे। अजी आप इससे कुछ भी अच्छा क्रिकेट का सवाल पूछ के देख लो, आपने तो मतलब आपसे ज्यादा क्रिकेट की बातें कौन जानता है। मैं तुम्हें कोई दो किताबों के नाम पूछ लूं तुमको भी नहीं आएंगे। आप आपस में कर लो, हम कहीं घूम फिर आते हैं। अच्छा ये फिल्म जो है डर के ऊपर है, आपको वैसे रियल लाइफ में कभी डर लगा? नहीं वैसे तो कभी लगा नहीं, बट आपको मिलने के बाद बहुत लगता है जी। खौफनाक भैया। हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपको कौन सी ऐसी चीज है जिनसे डर लगता है? जी भूतों से तो नहीं, बीवी से सब डरते हैं। वो भाई मेरा खड़ा हुआ है सर, मुझे कॉकरोच से डर लगता है। अबे कॉकरोच बोल, कॉकरोच, कॉकरोच क्या होता है? कॉकरोच, कॉकरोच से पूछ के देखो क्या बता, वो भी तुमसे डरता ही हो। सर मेरे को कॉकरोच इसलिए डर लगता है, मैंने इंग्लिश मूवी देखी थी। कौन सी वाली? वो मेरे को याद नहीं है लेकिन मैंने देखी थी, बहुत छोटा था मैं। कॉकरोच छोटा होता है ना तो वो आदमी बड़ा होता है वो मारता है, तो वो कॉकरोच है ना नजर में रखता है सब, तो कॉकरोच बड़ा होता है ना तो आदमी को है ना। तू कॉकरोच के ऊपर थीसिस लिखे सर। तो फिर क्या होता है? फिर बड़ा होता है ना तो जिस आदमी उसको मारता है ना वो गुफा के अंदर वो जो नाली आती है ना, गुफा नाली के अंदर नाली, यानी वो गंदगी की जो नाली बहती है सर। कौन सी बोलो बोलो बोलो। हाँ जी तो फिर क्या होता है? कॉकरोच बड़ा होता है फिर वो उनको, सर मेरे को भी बुला दिया आपने। मैंने कहा बुला दिया यार। तो अभी कॉकरोच से डर लगता है तो फिर अभी क्या मतलब उसका क्या करते हो? मैं उसको मार देता हूँ, जो सी जाता है ना उससे पटक देता हूँ। वाह मेरे बाहुबली। शुक्रिया अपने विचार सामने रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जिनको डर लगता है भूतों से या किसी भी चीज से? जी मैम। हेलो सिद्धू सर। हेलो कपिल, कैसे हैं आप? अच्छी हो।
सर मैं रांची से आई हूँ आपका शो देखने के, सीधे एयरपोर्ट से आई एम ओवर हियर. सो स्वीट, थैंक यू सो मच. I'm a huge, huge fan of your show. Thank you so much for coming. सर सब लोग भूत से डरते हैं, मैं भूत से नहीं डरती हूँ क्योंकि भूत होता ही नहीं है. अच्छा जी, आपने कपिल को नहीं देखा कभी? नहीं, कपिल कितना चार्मिंग है. चार्मिंग हो चार्मिंग है. सच की बात है. एक सेकंड. आंटी को चश्मा लगा हुआ है भाई, ध्यान से देखिए कैसी बातें कर रहे हैं. अभी और चार्मिंग लग रहा है. आप बताओ. मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं रांची से आई हूँ और मैं धोनी के स्कूल की हूँ. अच्छा? जिस स्कूल से धोनी ने 12th किया, मैं आज भी उसी स्कूल में पढ़ाती हूँ. अच्छा, अरे क्या बात है. जवाहर विद्या मंदिर शामली, मैं उसी स्कूल में अभी भी पढ़ा रही हूँ सर. अच्छा जी. मैं डरती तो नहीं हूँ, बच्चों को जरूर डराती हूँ. बच्चों को क्यों? पढ़ते ही नहीं है. तो आपके पति भी डरते होंगे आपसे वैसे कि नहीं? नहीं, इतनी स्ट्रिक्ट टीचर है आप. पति डराने की चीज थोड़ी ना, पति तो प्यार करने के लिए होते हैं. वो सो स्वीट. आजकल बच्चों को मारते नहीं है स्कूल में. आपने पहले पहले, अभी तो कुछ साल पहले बंद हुआ है, पहले पहले तो मार ही देते थे बच्चों को, मतलब थप्पड़ वगैरह लगी जाते लगाते थे सर. पहले लगाते थे ना आप? पीछे ऐसा जहां पता नहीं चले. आपको क्या लगता है, मतलब पहले जो होता था वो सही था कि अब जो है वो सही हो गया? सर डराना तो जरूरी है, किसी तरह की हेल्दी फियर बच्चों में होनी बहुत जरूरी है. अदरवाइज दे टेक द टीचर्स फॉर ग्रांटेड, दे टेक द पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, तो फिर रिजल्ट खराब होगा ही होगा. ये तो है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. आप कुछ लेंगे चाय कॉफी? नहीं, हमारा बजट है. बजट है? हाँ. क्या बड़ा, बड़ी तरक्की है. नहीं, नहीं, वहां से नहीं, स्पेशली बुलवा के लाएंगे, वो तो पुराने रखे हुए. कॉफी, कॉफी, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी लेके आइए दादा. ओए व्हाट हैपेंड? अरे क्या हुआ? सर हट जाओ. माउंट टेक्निकल प्रॉब्लम, मेबी लाइट फ्लैश. थोड़ी सी लाइट, एक आध स्पॉट तो जला दो. आई कांट टेल हु इट इज. इतना ही था प्रैंक, हो गया. अभी अभी जाओ, अभी हंसी निकल रही है. थैंक यू सो मच माय गॉड. मैं भी डर गया यार, कमाल ही होगी. So scary. और उसने डेडिकेशन के साथ किया है. उमा जी आज आप भाई के साथ आई हैं, तो भाई जी क्या लेंगे आप, चाय कॉफी या हफ्ता? सगे भाई हैं उनके. अच्छा सगे भाई हैं? और हाँ. तो क्या? क्या बात है. सॉरी सॉरी माँ, हेलो पौजी, इसके बारे में हमको जानकारी जरा कम था. लेकिन वैसे हुमा जी लास्ट टाइम हमें याद है आप यहाँ पे अक्षय कुमार जी के साथ आई. जी जी जी. तब आप भाई जी को साथ में क्यों नहीं लेकर आई? तब एक भाई था ऑलरेडी. चलो हो गई बात, अभी छोड़ो. चलो. अरे उस फिल्म में साकिब नहीं थे ना, भाई नहीं थे उस फिल्म में? हाँ, इसमें है. अच्छा, तो फिल्म भाई से बड़ा हो गया. वारे दुनिया. ये क्या बात हुआ यार. अरे वैसे यार तो आप ये तो सही कह रहे हैं, तो एकदम फील हो गया मुझे तूने बात लगता है ना. सिद्धू जी को देखिए ना यार, इनकी कोई फिल्म थोड़ी ना आती है, लेकिन यहाँ आके बैठते हैं ना हर फिल्म के प्रमोशन में. ही सो काइंड यार. लेकिन आपको बताए ना, आपका फिल्म का हमने ट्रेलर देखा. ओहो हो, ऐसे डरे हम ना. एक बार ऐसा एक हादसा हमारे साथ हुआ था. क्या? एक रात आधी रात को चारों तरफ पूरी रात थी. पानी की गीली गीली बूंदें टपक रही हैं, टप टप टप. अचानक हमारी आंखों के सामने सफेद साड़ी में एक वाइट कपड़े पहने हुए औरत, लेडी टाइप. लेडी टाइप. अरे बाप रे, वो देखकर हम जो घबराए हैं, हम तो डर ही गए. तुरंत रिमोट उठाया और ऑफ किया टीवी. बोले बस भाई. अच्छा एक बार बता, तू हर बात ये बार बार क्यों बोल रहा है, लेडीज औरत जैसी फलाना ऐसा, तो दो हर बात दोबारा क्यों बोल रहा है? अरे दोबारा के लिए आए हैं तो दोबारा बोलना तो बनता ही है. पार्ट ऑफ प्रमोशन कर दिए हम. वैसे साकिब जी आपको सच बताएं, उमा जी, जी आप लोगों को कभी पता करना है ना कि आपके घर में भूत है कि नहीं, सिंपल सोल्यूशन फ्रॉम बच्चा यादव. आई एम टेलिंग यू वेरी इजी. टेल टेल. हरा आम लीजिए, एक लाल कपड़े में उसको लपेटिए,
अच्छा पूरन मासी की रात में आपके घर के पूरब दिशा में उसको रख दीजिए। फिर तीन दिन बाद अगर वो पीला हो गया उसको काटिए खा जाइए। तो भूत का कैसे पता चलेगा इसे? अरे भूत का छोड़ो ना यार, आम का सीजन चल रहा है, आम खाओ मजा करो। तो भैंसिया कहाँ आज मरी? अरे यार वो बिजनेस में आजकल प्रॉफिट नहीं रहा, मिलावटी दूध कोई पीना ही नहीं चाहता यार। बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो हमने क्या किया, अपनी सांड भैंसियाओं को हमने बेच के दो कैमरा खरीदा है। दो कैमरे? हमने डिसाइड किया हम बनाएंगे फिल्म। और हमने यही डिसाइड किया सबसे पहले हम बनाएंगे फास्ट एंड फ्यूरियस, क्योंकि हमने देखा है 8-10 उसके ऐसे कुछ बन चुके हैं सारे के सारे हिट। अरे वो किसी और की फिल्म में तू थोड़ी बना सकता है, वो तो राइट लेने पड़ेंगे ना उसके, तो राइट लेफ्ट अपने को समझ नहीं आते। चलो छोड़ो वो नहीं बनाएंगे, कोई दूसरा पिक्चर बनाने, क्योंकि क्या है एक्टर लोग प्रोड्यूसर लोग डायरेक्टर लोग सब हमारे यहाँ आते रहते हैं, हम जानते हैं। डायरेक्टर यहाँ कैसे आते रहते हैं? मतलब अरे हम एयरपोर्ट पे रहते हैं ना। एयरपोर्ट पे कोई कैसे रह सकता है? हम रहते हैं यार। कैसे? रनवे जो होता है ना वहां जाके एक बार ऐसे खड़े हो गए, लोगों को पता ही नहीं चला, सोचे किसी का प्राइवेट जेट है। फिर फाइनली यार एक दिन हम पकड़े गए, एक आदमी आके हमारा दरवाजा खोलने की कोशिश किया। दरवाजा तो खुला नहीं, धोती खुल गया। I got caught यार। लेकिन अब फिल्म तो हम बनाएंगे। और कपूर शर्मा आपके लिए हमारे पास एक रोल है। कौन सा? इट्स कॉल्ड वेज रोल, खाएंगे। अबे फिल्म की कहानी तो बता। अरे कहानी सिंपल है यार, कहानी का क्या, इट इज ऑल इन द माइंड। बताते हैं। ओके। एक बड़ा जहाज है। जहाज बड़ा ही होता है? अरे हाँ ठीक है यार बता रहे हैं, खाली फील आना चाहिए ना। एक लुड़का एक लुड़की, लुड़का लुड़की को जहाज पे प्यार हो जाता है। जहाज चल्ला चल्ला चल्ला, सामने एक आता है बर्फ का टीला और जहाज डूब जाता है। टाइटैनिक की स्टोरी सुना रहा है? हमने कहा डूबता है। अगर बर्फ का टीला आ गया जहाज के आगे, फिर उनको बर्फ का टीला दिखाई दिया, वो मारे टर्न। फिर फिर थोड़ा और आगे जाते तो दूसरा बर्फ का टीला आता है, उससे टकराते जहाज डूब जाता है। बहुत ओरिजिनल आइडिया। टीला दोबारा आता है? अरे लीजिए दोबारा भी आ गया ना यार इसके। तो जहाज तो डूब गया ना, तो मतलब टाइटैनिक की स्टोरी हुई ना फिर? अरे नहीं यार अब कहानी आगे सुनो तो यार, अब जहाज डूब रहा है, नीचे पानी के नीचे अंडर वाटर एक टीला आता है, उससे जहाज टकरा के दोबारा ऊपर। दोबारा कैसे ऊपर आया? पहली बार ही ऊपर आया ना? अरे पहले से ऊपर ही था ना यार, अब दोबारा आया। और दोबारा यार प्रमोट करने के लिए बोल देते हैं यार, क्या टोकते रहते हो। अब देखिए लुड़का जो लुड़की है, लुड़का लुड़की जहाज के ऊपर बैठे हैं, अब जहाज ऊपर है एकदम सेफ, लुड़का लुड़की बैठे हैं, उनको मजा आ रहा है, जहाज चल्ला चल्ला चल्ला। अब जो लड़का है उसका पैर फिसलता है वो पानी के अंदर, वो पानी में तैर रहा है कि बचा लो, लड़की ऊपर जहाज से ऐसे हाथ दे रही है। अबे जहाज तो इतना ऊंचा होता है, लड़की कहाँ से हाथ दे रही है, कैसे पकड़ेगा हाथ? सेम बात लड़का लड़की को कहता है, पागल है यार तू इतना ऊपर से हाथ दे रही है। अब लड़की को पता चल गया कि कुछ बेवकूफी कर रही है, दौड़ के वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आती है, उसके पीछे आता है कटप्पा। कटप्पा कहाँ से आ गया? अरे आ गया, दरवाजा खुला था यार, आ गया, कोई भी आ सकता है, उसमें क्या जहाज है, आ गया। अब उसने लड़की को ऐसे धक्का मारा, लड़की पानी में है? लड़की को क्यों धक्का मार दिया? बताता नहीं है यार, हमने चार बार पूछा, कहता है पार्ट टू में बताऊंगा। पार्ट टू में फिर क्या होगा? वो जो पार्ट टू बनाएगा वो बताएगा यार, हमको क्या पता पार्ट टू में क्या होगा, हमने पार्ट वन लिखा है खाली। रेडी है? ए, जोक जैसी फिल्म सुना दी। इससे अच्छा जोक तो सुना दे हमारे बच्चा। जॉक्स 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 जॉक्स। लीजिए अब जॉक्स का माहौल आ ही गया है तो सुना देते हैं, हमारे जॉक्स में क्या बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन चलिए अब आप आए हो तो आपको एक जॉक्स सुनाते हैं। तो एक आदमी होता है वो अपनी वाइफ को डायमंड नेकलेस खरीद के देता है, उसके बाद भी उसकी बीवी उससे 6 महीने उसके बाद बात नहीं करती, पूछिए क्यों? क्यों क्यों? यही तो डील था यार, मैं डायमंड नेकलेस बात नहीं कर।
ऐसा बहुत मजा आ जाता है, बहुत मजा आता है। एक और जोक आप फोर्स कर रहे हैं। मैं फोर्स प्लीज प्लीज सुना दो ना प्लीज। ठीक है सुना प्लीज। आप इतना रिक्वेस्ट किया है प्लीज, तो अब सुनाना पड़ेगा। जो गाय है वो दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, दोनों कौन देता है? क्या क्या? गाय जो है दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, दोनों कौन देता है? सुपरमार्केट दुकान वाला है। एनीवे थैंक यू बहुत शुक्रिया। थैंक यू यार, या इट्स अ गुड फीलिंग आई नो। अमेजिंग। थैंक यू ऑलराइट ब्रो, टेक केयर। थैंक यू, चलते हैं। पाजी अक्सर ऐसा होता है ना घरों में, जो बड़ी बहनें होती हैं वो भाइयों को डरा धमका के काम वाम करवा लेती हैं। दोनों भाई बहनों से, अब क्योंकि बचपन से आपने एक साथ रहे हैं, मैं आप दोनों से कुछ सवाल पूछूंगा, आप बताना कि ऐसा कौन करता है। घर में आप एक साथ रहते हैं, घर में सबसे ज्यादा गंद कौन मचाता है? साकिब सलीम। चलो ठीक है, ये मान लेता हूँ। मान लेता हूँ बारे में ऐसे मैं बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा टीवी पे, तो मैं ही करता हूँ। व्हाट रब्बिश सिद्धू जी, इतनी मतलब जूता यहाँ तो मोजा वहाँ, लाइट खुली है तो एसी खुला है, मतलब जूता जहाँ होना चाहिए वहाँ होता है, जहाँ मोजा होना होता है वहाँ होता है, वो जगह वो एक्चुअली दोनों चीजें पैर में ही होती वैसे तो। 24 घंटे थोड़ी पहन के रहूंगा। अच्छा घर पे दोस्त किसके ज्यादा आते हैं? साकिब के, क्योंकि दोस्त है ही मेरे। हुमान ने क्या किया है, मेरे दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया, एक ग्रुप में घुस गई है। ये तो बात सही है, क्योंकि आई थिंक जब हम लोग दिल्ली में थे जी, तो हम लोग कभी इतने क्लोज नहीं थे, हम लोग हमेशा झगड़ा करते रहते थे, एक दूसरे की शिकायत लगाते रहते थे, मम्मी इसने ये किया, इसने मुझे मारा। बचपन में तो अगर साकिब ना ऐसे मेरा हाथ मोड़ रहा है झगड़े में, तो जब से छोड़ भी दिया मैं चिल्लाती रहती थी, मतलब ये मेरी ट्रेनिंग थी। बट आई थिंक बॉम्बे आने के बाद वी बिकेम रियली क्लोज, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक कोई हमारा फैमिली नहीं है, मॉम डैड दिल्ली में रहते हैं, तो आई थिंक क्योंकि इंडस्ट्री में भी साथ में काम करते हैं, तो आई थिंक दैट हैज रियली मेड अस वॉच आउट फॉर ईच अदर। अच्छी बात क्या हो सकती है, पगली इमोशनल कर रही है यार। अच्छा ओके लास्ट क्वेश्चन, फिरंगी का किसको बेसब्री से इंतजार है? बचपन में जब भाई बहन में लड़ाइयां होती हैं, मैं एक ऐसे नॉर्मली आप सबसे पूछना चाहता हूं कि घर में दो भाई हों तब ज्यादा मजा आता है बचपन में, दो बहनें हों तब ज्यादा मजा आता है, या एक भाई या एक बहन हो, मतलब कोई अपने विचार पेश करना चाहता हो। जी न्यूली मैरिड गर्ल, हाय। हेलो हेलो सिद्धू सर, हेलो कपिल सर, थैंक यू। भाई साहब भी आए साथ में, ये मेरे हस्बैंड भी है। कैसे सर, वेलकम। कहाँ से आए आप? कल्याण से। अच्छा जी, आप दोनों का कल्याण हो। जी आप क्या इस बारे में विशेष टिप्पणी करना चाहती हैं? मैं, मेरी एक छोटी सिस्टर है और मैं हूँ, बट अच्छा। मैं क्या सोचती हूँ, मेरा एक भाई होना चाहिए था। अच्छा जी। क्यों, जब मैं शॉपिंग पे जाती हूँ कुछ भी लेके आती हूँ, आपको पता है लड़कियों शॉपिंग करने जाएंगी वो एक दिन में पूरा कम्प्लीट नहीं होता, उन्हें सारी उम्र ही तकरीबन चाहिए कम्प्लीट होने में जी। तो अब मैं कुछ भी लेके आती हूँ, वो बोलती है मुझे चाहिए ये, मैं ले रही हूँ, और फिर मुझे गुस्सा आता है, मैं मना भी नहीं कर सकती, फिर सोचती हूँ यार भाई होता ना, एटलीस्ट वो मेरे से कुछ नहीं करता। और एक्चुअली भाई तो कुछ मांग ही नहीं सकता बहन से, लिपस्टिक भी नहीं मांग सकता, क्या करेगा। बहने एक दूसरे के कपड़े पहन लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दो भाई होते हैं तो बड़े भाई के कपड़े छोटे को मिलते, तो बड़े को नए वाले मिलते हैं, तो छोटे वाले को बेचारे को हमेशा यहाँ से घुटना चाहिए। आपको तो आप भाइयों की बात कर रहे हो, जब मैं छोटा था जो इसके लिए फ्रॉके आती थी मम्मी मुझे भी पहना देती। एक्चुअली होता है ऐसे, ट्रू। तो तभी क्यूट लगा था। नहीं, अरे मेरा बड़ा भाई हुआ ना जब पैदा हुआ, तो मेरी किस जबलपुर वाली मामी, तो फोन वोन इतने कम लैंडलाइन होते थे कभी कभी, तो उनको पता नहीं चला कि लड़का हुआ कि लड़की हुई, तो उन्होंने फ्रॉक भेजी बड़ी खुशी से, तो मम्मी ने सोचा कि भेज तो दी है, तो 1.5 साल तक फ्रॉक ही पहनते रहे। तो कोई आता था कहता बेटी बड़ी प्यारी है, कहते नहीं जी बेटा है, अंदर से बेटा ही है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, और ढेर सारी मुबारकबाद आपकी शादी के लिए आपको। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम, आई फील भाई बहन की जोड़ी इज द मोस्ट वंडरफुल जोड़ी इन द वर्ल्ड, एंड आई फील कि बहन हमेशा बड़ी होनी चाहिए,
because girls are more matured, that is very natural. And वो माँ बाप की side लेके भी भाई को संभालती है. She is a support in the family. Everywhere she can support the little brother in everything. Actually, बड़ी बहन नलायक हो तो ऐसा भी तो हो सकता है बड़ी बहन नलायक हो. बहन नहीं, बड़ी बहन ने बहुत समझदार होती है because they know कि उनको एक responsibility है छोटे भाई की और they can take even mom dad's place also at some time. Absolutely. Myself elder sister, I have a younger brother. So हम लोग बचपन में भी चॉकलेट खाते वक्त भी मैं मेरी बिल्कुल संभाल के रखती थी, you know, एक दिन दो दिन तक और मेरा भाई झट से खा लेता था. दो तीन भाई बहन हो ना तो घर में जैसे हमारे मूंगफली आती थी, हमारे चॉकलेट का बजट नहीं होता था तो मूंगफली आती थी तो उसको ना तीन भाई बहन है तो तीन अलग अलग ऐसे बना देते थे और मेरी बहन बेचारी छोटी उसको टाइम लगता था तो हम दोनों भाई फटाफट अपनी खा जानी फिर उसकी वाली चले जाना हम दोनों खाए भाई थोड़े होते हैं. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था लेकिन आई सपोर्ट माई ब्रदर इन ईच एंड एवरी थिंग. आई लव हिम द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड. यार मुझे अभी लगने लगा कि मेरी भी बड़ी बहन होनी चाहिए थी. मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि बहनें हमेशा बड़ी होनी चाहिए. छोटी हो तो बहुत ही मस्ती, मतलब अच्छा लगता है, लेकिन अगर बड़ी रही तो बोलते हैं कि पहली बेटी धनाची पेटी, महाराष्ट्रीय लोगों में बोलते हैं कि दैट इज फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड, सो इट्स लाइक गॉडेस हैज कम, लक्ष्मी माता. बहुत सही बात कही आपने. जैसे कभी कभी हम लोग न्यूज में सुनते हैं या कभी कि आज भी कुछ ऐसे गाँव हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि बेटी पैदा हो गई तो पता नहीं गलत हो गया, लेकिन हम लोगों ने मैंने तो जब पैदा हुए हम लोग हमारे घरों में हमेशा बेटियों को ज्यादा प्यार मिलता रहा है. सुबह उनको उठाना भी ना तो वो बहाने लगाती रहती थी 45-45 मिनट मेरे पापा कभी मसाज कर रहे हैं और हम लोग एक भी बार बोलते थे थोड़ी देर सुन तो पटक टपड़ रजाई खींच देनी हमारी. शुक्रिया, आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा साकिब, आपने अभी इतनी बहन भाई की बात हुई, कभी आपने हुमा के लिए वो गाना गाया? मैं कौवे से भी बुरा गाता हूँ तो आई डोंट थिंक आई शुड सिंग. तो ये कौन सा इंडियन आइडल है? गा तो आ जैसे मस्ती के लिए. कौन सा गाना गाना है? फूलों का तारों का. एक सेकंड. तो पेश है साकिब सलीम की आवाज में खूबसूरत गाना. फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है. सारी उम्र हमें संग रहना है. फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में कपिल शर्मा है. सारी उम्र भर हमको इनके शो पे आना है. फूलों का तारों का. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू. एक गाना मुझे भी हुमा को देख के याद आ गया. हाँ प्लीज. हुमा 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 हे हुमा 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 एक हो गए हम और तुम तो उड़ गए निंदेरे तो खन की पायल मस्ती में तो गंगा कन के रे. हुमा 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 हे हुमा 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 हुमा. वाह बात है भाई, आपने गाना गा दिया और हुमा करके गाया और बचपन में यही कहती थी तुम गलत सुन रहे हो, हुमा हुमा ही गा रहे. अच्छा आपको ऐसा लगता था? हाँ मुझे लगता सब मेरे लिए गा रहे. वैसे हुमा जी, जी एक अंदर की बात बता रहा हूँ जी. बड़ी खूबसूरत है आप. इनके भाई भी आए हैं. बिटिया खूबसूरत है तो है साहब, इसमें क्या गलत है? मगर भाई से ज्यादा ताया जी ज्यादा लग रहे हैं. बिटिया से ताया जी ज्यादा लग रहे हैं. आप हैं कौन वैसे? मैं वो हूँ जो आज बसों ट्रेन में चढ़ने से डरता है साहब. ये जिन्होंने डायलॉग बोला था नसीर साहब, उनका दूर का भाई हूँ. आओ दूर रक्त पास बुलाते नहीं मुझे. मैं दूर हो गया. कमाल है साहब, कमाल है. ओह वाह, ये डायलॉग वो है. आप आए क्यों यहाँ? मेरी एक हेल्प करिए प्लीज. आप मेरे को थोड़ा सा पैसे दीजिए, मुझे गरीबों को खाना खिलाना है. पैसे दीजिए? हम आपके शो में आप हमसे पैसे मांग रहे हैं. किसको खिलाना खाना? गरीबों को. कौन से गरीबों को? यार मेरे मम्मी पापा, मेरी गरीब बहन. साहब मेरी बहन बहुत गरीब है साहब, इतनी सी है, हाइट से भी गरीब निकली साहब.
मैंने उसको बचपन में घोड़ा चलाना सिखाया था। मैं ऐसे गया, मैं से बैठा, मैं कैसे बैठ गया, फिर उसने मुझे बोला कि नहीं घोड़ा ऐसे नहीं चलता। मैं कैसे चलता है? उसने कहा ऐसे पकड़ो ये। मैंने कहा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, घोड़ा तो ऐसे ही चलेगा। फिर जब समझ में आता, मैंने कहा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता हूँ साहब। वाह, मैं कितनी बड़ी बात कह गया, मेरी बात पे सब चुप हो गए साहब। मैं कहता था मैं अपनी बात से सन्नाटा फैला देता हूँ। देखो साहब सन्नाटा। भाई साहब बात बताइए, इधर से जाना हो तो क्या लेते हैं आप? चंदा। चंदा चंदा तो नहीं, इधर मैंने डंडा रखा था। यार ये आप बुरा मान जाते, यार यहाँ मैंने देख लिया है, ये दौर घटिया बातों का करने का रहा ही नहीं, अच्छी बातें करूं इनके साथ। एक मिनट साहब, अगर आप चाहते हैं तो यही होगा। क्या होगा? अच्छी बात। एक शेर अर्ज कर रहा हूं कि बनाओ खाना वेज या नॉन वेज, बनाओ खाना वेज या नॉन वेज, उसमें पड़ता है धनिया। ओ वुमन या वुमन। ये क्या था, ये शायरी क्या थी? ये कमी मुझे भी लगी अपनी शायरी में, थोड़ी सी थी। एक बार ये अपनी शोले की शूटिंग चल रही थी, हम चले गए। हमने कहा साहब जावेद जी स्क्रिप्ट में नुक्स निकाला हमने। हमने कहा जब रामगढ़ में बिजली नहीं तो टंकी में पानी चढ़ता कैसे? पॉइंट है, पॉइंट है। जावेद साहब ने छुआ अपने जूते से मेरे होंठ पे छुआ। लेकिन साहब फ्लेक्सिबिलिटी आदमी की देखी, ये लात यहां तक, मैं साहब मेरी खुशी से होठों से खून निकल आया साहब। तब पता लगा ये जिंदगी का फलसफा है। फलसफा क्या होता है? अरे वो चीकू से छोटा नहीं होता, बड़ा टेस्टी होता खाने, बीज नहीं होते उसमें, बड़ा बढ़िया। तबीयत खराब लग रही है आपकी? नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों से आज बात करके लगा कि मैं एक शायर भी हूँ, और शायरी दर्द से निकलती है साहब, और आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। शेर तो सुनाओ कोई। शेर सुनाते हैं कि लड़की 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 ब्यूटीफुल कर गई चुल, ये चुल हुई, आह लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, दरवाजे पे लिखा था पुश कर गई पुल। ओए 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 साहब, ये जो दरवाजा खींचने में उंगली आई है दरवाजे में, आह ओ हो तेरी एग्जिट में खड़ा होकर करवा दोगे? अगर आप चाहते ही हैं कि मैं चला जाऊं तो चंदा लेके, मैंने आप तो डंडा उठाने की बात करते हैं, ये गलत है साहब, बंदा आया है बात करने नहीं दे रहे। आई एम जस्ट अ कॉमन मैन, आप झाड़ू नहीं उठाएंगे, हमें झाड़ू उठानी पड़ेगी। व्हाई आर यू नॉट टेकिंग देम इन द पार्ट? नहीं 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 नहीं, कि नहीं हो रहा है, आप इस तरह हमारे साथ हैं पूरा डांस। हम फूले नहीं समा रहे हैं। खैर हुमा जी, साकिब जी नमस्ते। नमस्ते। हम आपका वो फिल्म आ रहा है ना दोबारा, उसका ट्रेलर देखे। ओहो, उसके बाद जितनी बार भी हमने ऐसे आईने में देखा ना, ओ हमको भूत दिखाई दिया, हम डर गए। पहले कभी ध्यान से देखा नहीं होगा ना आईना। वैसे आपको सच बताएं हुमा जी, जी हमको पता चला ना कि आज आप यहाँ पर आ रहे हैं अपने भाई को साथ में लेके, तो हम तो शर्म से उंगलियां चबा गए। उंगलियां चबा गए? उंगलियां तो आपकी ठीक है। नहीं अपना नहीं चबाए, अपने भाई का चबाए ना। हम सिर्फ शर्माए थे, पगलाए नहीं थे। वैसा हुमा जी आप बहुत ज्यादा सुंदर है। थैंक यू। हम हमेशा से ऐसा चाहते थे कि आपकी तरह ऐसे सुंदर दिखे, तो हम तो जाके ना सारे के सारे साबुन ट्राई किए, लेकिन फिर भी आपका जैसा सुंदरता नहीं। साबुन लगाया करो ना, तुम तो खा जाती हो ना।
ये तो खाने में भी टूथपेस्ट खा जाती मिला के, ऐसे क्यों करती है? अब घर में नमक नहीं होता है तो हम अपना सब्जी वब्जी के अंदर टूथपेस्ट डाल देते हैं। अभी दो दिन पहले का बात बता रहे हैं, पड़ोस में एक ऐसा भैंसिया थी, हम उसको अपने टूथपेस्ट से ब्रश करवा दिए, तब से वो रोज आके हमारे घर पे 2 लीटर दूध दे के जाती है, कहती है आपका नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करेंगे। पर उनमें भी इमोशंस होते हैं ना, आपको लगता है कि बड़ी बहन भूखी ना रह जाए। फिर आप एकदम छोटा बात किए हैं, बेकार का। यानी हम कह रहे थे कि हुमा जी, हम आपसे एक जबरदस्ती वाला ऑफर देना चाहते हैं। आप जबरदस्त आप कहें तो ऑफर को बुला लें। ऑफर को बुला लें? ऐसा कौन सा ऑफर लेके आई? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप कहते हैं तो बुला लेते हैं। भैया संतोष, मुझे ना तुम्हारे परिवार की समझ में नहीं आती। एक तो इतनी ज्यादा हो गई, दूसरा हुआ ही नहीं, मुझे क्या जल्दी थी पे आने की? अरे आप समझे नहीं, इनसे शादी करने के लिए तो लोग कब्र में से भी उठकर आ जाएं, मैं तो फिर थोड़ा सा पैदा हुआ हूँ। जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा ऐसा एक्शन लेना पड़ता है। इसे बुलाया क्यों है? एक्सचेंज ऑफर के लिए बुलाया है। एक्सचेंज ऑफर? देखिए क्या है कि आपके पास भाई है, हमारे पास भी भाई है, ये वाला भाई हमको कुछ खास ज्यादा पसंद है नहीं। पर उनको तो अपना भाई पसंद है ना। अरे इनकी पसंद ना पसंद देखते रहेंगे तो हमारा तो जिंदगी खराब हो जाएगा ना यार। तो तुम उनके भाई का क्या करोगी? क्या करेंगे, देखिए हम शरीफ लड़की हैं, शादी ब्याह करेंगे, परिवार वरिवार बढ़ाएंगे, अपना किसी विसी करेंगे और दिमाग खराब है? नहीं, दिमाग तो हमारा ठीक है, नियत थोड़ा सा खराब है। पहले अपने भाई की शक्ल तो दिखाओ। नहीं नहीं, ये शक्ल नहीं दिखाता है। क्यों? इतना शादी का शौक है इसको, ये सहरा इसने लगाया नहीं है, अपने सर पे ठुकवा लिया है। आप इसके हाइट पे मत जाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 8 घंटा पानी में रखिए, बड़ा हो जाता है। पर हुमा, आपके भाई से शादी क्यों करेंगी? क्योंकि हम उनके भाई से शादी करने के लिए तैयार हो गए और इतने लालची नहीं है कि एक्सचेंज ऑफर देंगे नहीं, इसलिए दे रहे हैं। अरे करने दो ना शादी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा बचपन का सपना है उनसे शादी करने का। अबे बचपन का सपना बचपन में पूरा करने आ गया तू? उमा जी आप इनको रहने दीजिए, मेरी बात सुनिए ना। हाँ। मेरे साथ शादी करने का बड़ा फायदा है। क्या? शादी के बाद बच्चे होंगे ना तो मेरे कपड़े पहन लेंगे, उनको नए लेने नहीं पड़ेंगे। अबे कपड़ों का खर्चा तो बचेगा, जो तेरे डायपर का खर्चा पड़ेगा उसका क्या? सबसे पहले जरा हमारा रिश्ता होने दीजिए, हम अपने हाथों में ना साकिब जी के नाम की मेहंदी लगाना चाहते हैं। तो काम क्यों नहीं करती संतोष, अपने पेट पे घास लगवा के बच्चों के लिए स्टेडियम क्यों नहीं खोलती? स्टेडियम? स्टेडियम हम खोल ले, मेंटेनेंस कौन करेगा, सोचा है आपने कभी? वैसे बनाए माली। साकिब जी आप कहें तो इस दोस्ती को हनीमून में बदल दे। कौन सी दोस्ती? क्या कौन सी दोस्ती को हनीमून में? उन्होंने हाँ कहाँ की है? ना भी नहीं किया है उन्होंने। और देखिए वैसे भी शादी क्या है, वो एक धमकी का रिश्ता है। अबे शादी प्यार का रिश्ता होता है, धमकी का कैसे? आप हम दोनों को देखिए, आप दोनों को लगता है कोई प्यार से हमसे शादी करेगा? फिर भी बिना धमकी के ये मान रहे हैं, ये बड़ी बात है। और वैसे भी देखिए शादी के बाद आजकल क्या है, ऐसा पार्टी साटी करने जाना पड़ता है, तो हम भी सोच रहे थे कि हम और आप थोड़ा कंपैटिबिलिटी अपना थोड़ा सा चेक करने के लिए डांस बिनस करके देख लेते हैं, हो सकता है कि पता चल जाए। ये गलत है, मुझे अपने साथ डांस में एकदम करके तुमने भाई को उधर भेज दिया। तो दौरा धीरे है, शक्ल दिखाओ पहले भाई की यार, ऐसा यार इतना क्या जल्दी है तुमको? खैर कोई बात नहीं, चलिए चट मंगनी पट बिया और झट बच्चों की तैयारी शुरू कर लेते हैं। फिर शादी तो पंडित करवाता है। एक थोड़ा सा पंडित तो मैं भी हूँ ना। हाँ तो तुम ही करा दो, चलो शादी करवा दो। ठीक है शादी करवाते हैं, लाश आगे आओ। अरे जी पागल है, शमशान में काम किया करता था, अब तो लगता आदत गया नहीं है, ऐसा शादी नहीं होता है, ठीक से करवाओ।
दी। अरे क्या बात। पहले जरा हम इसका जरा हिसाब किताब ले ले, बाद में आते हैं शादी करने के लिए। रुक जाइए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेहमान आए हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम हुमा को बड़ा इम्प्रेस कर सकते हैं अपने टैलेंट से, पर आप भाई हैं यहाँ पे, देखिए जो भी इम्प्रेस करना चाहता है अपना हाथ खड़ा करें और आप स्टेज पे आ सकते हैं। वो तो आ ही गया स्टेज पे, आ जा। एक और दो हैं। हाय सर। हाय सर, मैं उनको सॉन्ग करके प्रेस करना चाहता हूँ, इम्प्रेस करना चाहता हूँ, उनको प्रपोज करना चाहता हूँ शादी के लिए। अच्छा, और भी एक भाई साहब थे पीछे, वो आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं भोजपुरी में मैम को प्रपोज करना चाहता हूँ। अच्छा, और वो भाई साहब? जे बात, आप तो लगता है जेल से आज ही छूटे हो। आ जाइए प्लीज, मोस्ट वेलकम। अरे आप ऐसे आ जाओ इधर बैठो, आ जाओ। कैसे आप दिखाने दो, पहले कौन आ रहा है? इधर आ जाइए आप सारे, कैमरा सामने, इधर आ जाओ भाई। हाँ जी, तो आप पहले, आपको ज्यादा आया लगता है टैलेंट। जी क्या नाम है ब्रदर आपका? गणेश अवतड़े। गणेश कहाँ से आए आप? शिरडी। शिरडी से? अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह से आए आप। जी बताइए क्या करना है? मैं उमा मैम के लिए अच्छा सा एक गाने पे डांस करना चाहता हूँ। म्यूजिक चलाइए गणेश। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंडरवियर में ततैये छोड़ दिए किसी ने। आ जाओ आप बैठ जाओ इधर, तेरा हो गया, आज बैठ जाओ। क्या खारिश वगैरह हो रही है? अच्छा, वन बाय वन अभी उमा खुद डिसाइड करेंगी। आप क्या करने वाले हैं? सर मैं सॉन्ग से इंप्रेस करूंगा मैम को, प्रपोज करूंगा। इंप्रेस तो आप बाद वो डिसाइड करेंगे होएंगी कि नहीं होएंगी, पर आप गाना गाइए जो आपका दिल करे। हम सब कुछ भूल गया, याद अब कुछ नहीं। हो 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 हो, हम या एक यही बात भूल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लव को इतना काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं भोजपुरी में उमा मैम को प्रपोज करना चाहता हूँ। अच्छा, तो उमा मैम हम तुमसे बहुत प्यार करीला, हम तोरे बिना जी ना पाए, हम दो चार दिन से तोरे बिना खाना ना खा पीना सब छोड़ दले बाकी। अरे बाप। और आपके शो देखली कि आप उमा मैम कपिल शर्मा शो में आवत थी, तो बहुत एक्साइटेड हो गए। तो आवत है तो तुम्हारा क्या जावत है? अरे सर हम इतना प्यार करी ना हुआ मैम से, बताओ हम हाँ। कि हम जी ना पाए हुआ मैम के बिना। तो आपको हम गिफ्ट दे देते हैं गणेश, लाइए, वो भी उमा के हाथ से। उमा बंदे ने एफर्ट तो किया है, तो इनके लिए। I have to say, आपने बहुत अच्छा डांस किया, so thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. God bless. God bless. God bless. Thank you sir. तो आइए एक सेल्फी हो जाए। Yes. आ जाओ हमारी तो आइए। इस तरफ आइए साकिब। ये अलग। Thank you so much साकिब. Thank you so much हुमा. Thank you. And all the best for दोबारा। आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।